हेलो फ्रेंड्स, एनडीए में अब कितने दिन बचे हैं? ओनली फोर डेज। फोर डेज बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, क्योंकि अक्सर हम लास्ट में आते आते कई बार अपने आप को फ्री कर देते हैं या छोड़ देते हैं, डर लगने लगता है। आप में से कई लोग ये कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि सर अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया, 30% हुआ है, 40% हुआ है, 50% हुआ है। इनफैक्ट कई बच्चों ने कमेंट्स भी किए हुए हैं कि सर आप जब करवाते हैं तो बहुत सिंपल लगता है, पर जब हम करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सभी की। तो अगले 3-4 डेज क्या किया जाए, क्योंकि आज ट्यूसडे है, अब ये आपके पास वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 डेज हैं। तो नेक्स्ट 4 डेज, या हो सकता है आप जब सेशन सुने तो आपके पास 3 डेज हो या 2 डेज हो, तो नेक्स्ट 2-3 डेज ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम अपने माइंड को इस ढंग से सेट कर सकें कि पेपर्स को इजीली क्रैक कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इंपॉर्टेंट बात ये कि लास्ट 2-3 डेज अगर हम अपने आप को पॉजिटिव माइंड से तैयार करते हैं तो पेपर में हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है। अगर हम नेगेटिव माइंड से अगले 3 दिन रहे तो हमारे पेपर बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं, यानी सब कुछ आते हुए भी हम कई बार पेपर को गवा सकते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों में से एनडीए जो देते हैं, एनडीए में क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो कई बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया, फ़ोन किया, सर अब ऐसा लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में नहीं निकल पाएंगे, सेप्टेम्बर वाले अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि पहले आप अपना फोकस फर्स्ट पेपर पर करिए, इसके रिजल्ट के बाद हमें देखकर डिसाइड करना है कि हमें सितंबर देना है या नहीं, या पेपर से निकलने के बाद भी हमें समझ में आ जाता है कि हमारा पेपर कैसा गया। तो अभी से ये दिमाग में अगर आप थॉट ला रहे हैं तो आप पेपर देने से पहले ही हार गए, यानी आपने मैच खेला ही नहीं, और बिना मैच खेले ही अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं जीतूंगा तो ये बात पक्की है कि सामने वाली टीम कितनी भी कमजोर क्यों ना, कितनी भी वीक क्यों ना, वो आपको हरा देगी, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट पहले ही हारने के लिए तैयार किया। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता पर एनडीए तो डिफेंस की बात है। आप सोचिए कि डिफेंस में जाने का मतलब है आपको कंट्री की सुरक्षा करना है, सिक्योरिटी करनी है, और अगर आपका माइंड पहले से ऐसा सेट हो जाए तो आप कैसे किसी सामने वाले से जीत सकते हैं। और एनडीए के पेपर में जैसे अगर पेपर का पैटर्न देखें या जनरल जीएटी का पेपर देखें, तो उसमें सब कुछ पूछने का पर्पज़ ही यही होता है कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट या परफेक्ट ऑलराउंडर बंदा उनको चाहिए डिफेंस में। तो आप अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि अब नहीं हो सकता, तो मैं आपको बोलूँगा आप पहली बार हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर एनडीए का पहला पेपर निकाल भी लेंगे तो सेकंड राउंड जब होगा आपका ट्रेनिंग राउंड, उसमें आप क्या करेंगे? तो एक बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लगता है, और वो एटीट्यूड कभी भी 1 हफ्ते में डेवलप नहीं होता, वो कई समय की मेहनत होती है। तो अगले 3 से 4 दिन आपका माइंड इस बात के लिए सेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पेपर छोड़ना है, बल्कि इस बात के लिए सेट होना चाहिए कि मुझे पेपर इसी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। हो सकता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट हो, पर मैं आपको ये मानते हुए बोलूंगा कि आप ये मानते हो जाइए कि यही आप अटेम्प्ट और इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, फिर रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता मत करिए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि नेक्स्ट 3-4 डेज क्या किया जाए जिससे कि हमारी जो आज की परफॉर्मेंस है उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को अप कर सकें। इस सेशन का मेन पर्पज भी यही है कि अगर आपकी आज की डेट में जो परफॉर्मेंस है, अगर आज आप 50% पे हैं तो इस सेशन के बाद आप 60% पे पहुँचें, 70% पे पहुँचें, 30% पे हैं तो 40% पे पहुँचें, 50% पे पहुँचें। अच्छा, इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट के ये कंटिन्यूसली मैसेज हैं कि सर सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, या पिछले साल के सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए, तो अब क्या करें? तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जितना भी सिलेबस आज की डेट तक हुआ है बस उतने ही सिलेबस पर स्टॉप हो जाओ, उसके आगे का कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, बल्कि जो हुआ है उसी का रिवीजन करो। अगर आपका 50% या 60% सिलेबस हुआ है तो इसी 50-60% को आप 100% बनाने की कोशिश करें, आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास 2 पेपर्स हैं, एक है मैथ्स और एक है जीएटी, क्या किया जाए? अगर आप पर डे मान लीजिए 10 आवर स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम 6 आवर आप मैथ्स को दीजिए, 3 आवर आप जीएटी को दीजिए, और 1 आवर आप जो आपने 9 आवर में पढ़ा है, इन 9 आवर में पढ़ा है वो 1 आवर उसके रिवीजन के लिए रखिए। यानी ये एक बहुत ही सिंपल और अच्छी टेक्निक है जिससे कि आप पेपर में स्कोर कर सकें। लोग यही नहीं करते, पढ़ते जाते, यानी सुबह से लेकर रात तक आप 15 घंटे पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी पढ़ें उसका कम से कम पूरी पढ़ाई के बाद दिन भर की 1 घंटा ऐसा दीजिए जिसमें आपने सुबह से लेकर रात तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें, और रिवीजन बिना बुक खोले करें, यानी विदाउट ओपन बुक आपने जो जो पढ़ा है वो एक ब्लैंक पेज पे लिखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज उस पर, और मैथ्स पे जो पढ़ा है। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लगभग 30 टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट 3 डेज में आपको हर दिन 10-10 टॉपिक्स को कवर करना है। अब ये 10-10 टॉपिक आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन आप एलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें, एलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री करें, एक दिन कैलकुलस करें, और
एक दिन बचा हुआ जो है, या अगर 3 डेज ही बचते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिसलेनियस टॉपिक, कैलकुलस के साथ मिसलेनियस टॉपिक, अगर आपने ऐसा किया तो फायदा होगा। अब बात आती है इतने सारे टॉपिक का रिवीजन एक दिन में कैसे होगा, तो एक चीज़ समझ लीजिए, इतने सारे टॉपिक का रिवीजन एक दिन में 100% होता अगर, अब आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने 30 की जगह 20 किए तो वो 20 का ही रिवीजन करे, किसी ने 10 किए तो 10 का ही करे, किसी ने 25 किए तो 25 का ही करे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर जितना किया उतने का रिवीजन करें। और रिवीजन किस ढंग से करें वो बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज़ याद रखिए कि करीब करीब 120 क्वेश्चन में से, क्योंकि मैंने आपके साथ पिछले सारे साल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं पूरे एनालिसिस के बाद बोल रहा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बिना पेन चलाए, विदाउट यूजिंग पेन आप कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले या डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैं बात करूं कोनिक सेक्शन की, अगर जैसे मैंने कल ही कोनिक सेक्शन का वीडियो डाला, तो सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पे, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होता है, अगर आपको ध्यान हो हमने बनाया हुआ है कि इसका एक्सेस क्या है, टेंजेंट क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकाई क्या है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या, बस इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। इलिप्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपसे इसेंट्रिसिटी तक पूछ लें, इतना बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, या डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पूछ लें, यानी आपको अगले 3 डेज हर टॉपिक की बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है, बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। सपोज बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन कर रहे हैं तो a प्लस बी की पावर n क्या, a माइनस बी की पावर n क्या, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या, इस तरह के बेसिक फॉर्मूले करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आयोटा की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या, अक्सर ओमेगा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, होमोजीनियस इक्वेशन, ट्रिविअल इक्वेशन, नॉन ट्रिविअल सॉल्यूशन, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, यानी आपको किसी भी टॉपिक का बहुत बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो बस सारे टॉपिक की डोमेन रेंज, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ रिवीजन किया तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि सर बिना क्वेश्चन की कैसे होगा, तो करना ये है कि हर टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है और 2016 और 2017 के जो 1 और 2 पेपर हैं उनके इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करें। याद रखिए मैथ्स में बहुत स्कोर करना, मैथ्स से ही सब कुछ होगा। बाकी देखिए क्या होता है, जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का इक्वल वेटेज होता है, 30-30-30 क्वेश्चंस का एडवांस में भी। पर यहाँ पर एनडीए में ऐसा नहीं, एनडीए में मैथ्स एक बहुत बड़ा पेपर है और जनरल एप्टीट्यूड एक अलग पेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर टॉपिक का बेसिक आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ोगे आप वो मैं बताऊँगा, पर पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो आपको केवल हर टॉपिक के बेसिक फॉर्मूले का रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, और लास्ट 2 ईयर के पेपर के रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आप जितने टॉपिक आपने आज की डेट तक पढ़े उन्हीं टॉपिक के, और पिछले 3-4 दिन में जो टॉपिक पढ़े उनकी भी रिवीजन की जरूरत नहीं है। हार्डली हर साल अगर हम देखें, जैसे सपोज मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो कुल मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, बस वही सॉल्व करिए। कोऑर्डिनेट की बात करें 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, फॉर्मूले रिवाइज करके बस वही रिवाइज करिए, और सारे टॉपिक के फॉर्मूले रिवाइज करके 2 ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, एक बात। दूसरी बात, माइंड बहुत पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या होगा, ये क्या होगा ही हमें पीछे करता है, डर लग रहा है, अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, सब बातें दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ गए तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप 50 क्वेश्चन सोचते हैं तो हो सकता है 60 करके आएँ, 60 बोलते हैं तो 70 करके आएँ, पर अगर आप निगेटिव माइंड के साथ गए तो 50 की जगह आप 40 या 30 ही करने वाले। अच्छा, मैंने जैसे बोला 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, तो 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो टाइम ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करता है तो वो ये तो कह सकता है कि मैंने टफ क्वेश्चन किए, पर उसके जितने समय में 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं उतने समय में कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा 40 से 50 कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना है, 120 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने के लिए नहीं दिए हैं, आपका IQ लेवल चेक करते हैं वो कि किस समय क्या करना है, ये डिसीजन लेना आना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं, कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है, क्योंकि जब सबके इक्वल मार्क्स हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है उसी समय में कोई बच्चा 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकता है। यानी आप एक क्वेश्चन करके एक दूसरा बच्चा 10 क्वेश्चन करके 10 टाइम आगे निकल गया। गैसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई गैसिंग का लॉजिक ना मेरे पास है ना मैं आपको बोलूँगा। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप पेपर देंगे तो आपके पास कोई रीज़न नहीं कि आप मैथ्स क्लियर ना कर सकें। मैं श्योर हूँ, मैंने आपके साथ मैथ्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हैं, फाउंडेशन बहुत अच्छे से करवाया, ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे ना बने।
इसके अलावा अभी मैं जो बिट सेट के पेपर भी शेयर कर रहा हूँ वो भी देखें, उसका भी लेवल एनडीए जैसा ही होता है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। पर अगले 3 डेज आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि हर टॉपिक के एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लें, केवल फॉर्मूले, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में या बायो में या हिस्ट्री में या पोल्ट्री में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बस वो करने, वो भी ये 2-3 ईयर के, यानी यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेक्शंस हैं तो सब सेक्शन को अगर आप 30-30 मिनट देंगे तो ही कवर कर पाएंगे। तो 30-30 मिनट में आप कर यही सकते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ते चले, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था सर के लिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, मैं बोलूंगा अब पेपर पहले ही तैयार हो चुका है, आज की कोई न्यूज आपके कोई काम की नहीं। फॉर एग्जांपल कि कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये सब क्वेश्चन अगले पेपर में आने वाले, अभी नहीं आने वाले। तो लास्ट 15-20 डेज में जो इवेंट हुए होंगे उसके कोई पेपर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप उन पे फोकस मत करिए, क्योंकि पेपर एक बार प्रिंट होने के बाद कोई चेंज नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें तैयार करना है। एक, आप देख रहे हैं समर वेकेशन है, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे में आपको अपने आप को फिट रखना भी जरूरी है, तो खूब पानी पीजिए और जो बातें मैंने बोली हैं उसके पॉजिटिव माइंड के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन की जो अप्रोच बताई उसके साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले सोचना है कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करें, ऑप्शन से करें, मेथड से करें, लॉजिक से करें, ट्रिक से करें, ये पहले थॉट आना चाहिए, और हमेशा ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एकदम से स्टार्ट ना हो जाए 1, 2, 3, 4, 5 तो आपका पेपर हमेशा अच्छा जाएगा। तो अभी कोशिश करिए, अगले 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन 3 डेज के बाद हो सकता है आप में से कुछ बिट्स का एग्जाम देने वाले हों, फिर बिट्स के लिए फोकस करिए, अभी पहला फोकस अपना एनडीए फर्स्ट पेपर पर रखिए और 16-17 के पेपर के साथ हर टॉपिक के हो सकता हो तो सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए और रात को 1 घंटे सोने से पहले ब्लैंक पेज पे फॉर्मूले लिखिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पेपर जैसे ही खत्म होगा 22 को मैं इस पेपर के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा और बिल्कुल इसी ढंग से करूँगा जो मैं आज आपसे बात बोल रहा हूँ, और आप में से जितने लोगों ने मेरी बात मान के इस ढंग से पेपर को स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप उस सॉल्यूशन के समय ये बात याद करेंगे कि सर ने सेशन में बोला था और बिल्कुल वैसा करने से मेरे 70, 80, 90 तक अटेम्प्ट हुए और वही करना है आपको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।